हेलो दोस्तों, कैसे हो? अगर आपको आपकी कोई पुरानी ड्राइव को पोर्टेबल बनाना है तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एक आसान तरीका। ये एक ड्राइव का केस लेके इसको आप पोर्टेबल बना सकते हो। चलो देखो मेरा वीडियो। हेलो दोस्तों, तो चलो इस वीडियो में देखते हैं आप अपनी एक पुरानी हार्ड ड्राइव को पोर्टेबल कैसे बना सकते हो। नाउ ये जो एक हार्ड ड्राइव है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव, ये मेरे एक पुराने कंप्यूटर में लगी हुई थी और इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट अभी वो मैं कंप्यूटर यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन ये हार्ड ड्राइव में काफ़ी सारा डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, फ्यूचर के पर्पज़ के लिए मैं इसको रख सकता हूँ। तो मेरे केस में ये जो ड्राइव है, ये 2 TB का एक पुराना जो ड्राइव है, और ये जो ड्राइव का साइज़ है 3.5 इंचज़ का, ये जो साइज़ है आप कंप्यूटर्स में जनरली देखोगे 3.5 इंचज़ का ड्राइव रहता है, और लैपटॉप्स में जनरली 2.5 इंचज़ का ड्राइव रहता है। तो मेरे केस में ये जो ड्राइव है इसको मुझे पोर्टेबल बनाना है, और इसको पोर्टेबल बनाने के लिए मैंने कुछ एक प्रोडक्ट ख़रीदा है फ्रॉम अमेज़ॉन। तो मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि इसको कितनी आसानी से आप ये कर सकते हो। ये वो प्रोडक्ट का केसिंग है, मैं आपको प्रोडक्ट का केसिंग दिखाता हूँ। ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जेनरिक प्रोडक्ट है मैंने अमेज़ॉन से लिया हुआ है, और आप ज़रा जूम करके देख सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको हार्ड ड्राइव जो अपनी है वो अंदर इंसर्ट करनी है। इसको आप एनक्लोजर बोल सकते हो, आप इसको केसिंग बोल सकते हो, अलग अलग नाम से ये जाना जाता है ऐसा प्रोडक्ट। और ये 2-in-1 एक USB वाला प्रोडक्ट है, इसमें आपको 2.5 इंचज़ और 3.5 इंचज़ दोनों साइज़ की हार्ड ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया केसिंग, मैं आपको लिंक भी रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपके देखने के लिए। अब जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। आपको अंदर ये केस मिलेगा, ये जो आप केस देख रहे हो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा अलग तरीके का एक USB कनेक्टर मिलेगा, आपको एक पावर अडेप्टर और एक ऑन ऑफ की स्विच मिलेगी, और यहाँ पर आपको कुछ 3 LED मिलेगी। जब ये प्रोडक्ट फंक्शन कर रहा होगा तो अलग अलग लाइट दिखाएगा। पीछे कुछ इसके है नहीं, और आपको इसको स्लाइड करके इसको ओपन करना है। अगर आप इस प्रोडक्ट के अंदर देखते हो तो यहाँ पे आपको इसका कनेक्टर दिखेगा। आपको जो अपना हार्ड ड्राइव है इसके अंदर आप ये जो कनेक्टर देख रहे हो, ये कनेक्टर और आपके केसिंग के कनेक्टर को मैच करना है और इसको स्लाइड करना है। आप जब इसको लगा दोगे तो इसको स्लाइड कर दीजिए और बाद में इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये वो कनेक्टर है जो आपको बॉक्स में मिलता है, मैं आपको इसका फंक्शन अभी समझाता हूँ। उसके अलावा मुझे एक पावर अडेप्टर मिला है, एक पावर अडेप्टर जो आपको 2000 mAh का एक पावर आउटपुट देता है 12 वोल्ट का, और उसके साथ मुझे इस तरह का एक USB केबल। इस USB केबल में इस तरह से जैसे कि प्रिंटर्स में काफ़ी केबल लगता है, इस तरह का चौकोन स्क्वायर टाइप कनेक्शन और इस तरफ USB ये केबल मिला है। इतनी चीज़ें आपको मिलती है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने ये केसिंग यहाँ पे खोल लिया है, और ये केसिंग खोलने के बाद मेरी हार्ड ड्राइव आप देख रहे हो वो 3.5 इंच साइज़ की हार्ड ड्राइव है। तो ये पूरा का पूरा केसिंग इसमें यूज़ हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये यहाँ से इस कनेक्टर पे धीरे से स्लाइड करके इसमें मैच करके अंदर फिक्स करना है। अगर आप देखोगे अब वो गिरेगा नहीं, ताकि कनेक्टर वहाँ पे फिक्स हो चुका है। जब आपको निकालना हो तो हल्के से इस चीज़ को खींच लीजिए और ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आप 2.5 इंचज़ का ड्राइव भी लगा सकते हैं। उस केस में यहाँ पे थोड़ी सी जगह स्पेयर बचेगी, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव छोटी होती है। तो आप इस तरह से कनेक्टर टू कनेक्टर मैच करके लगा देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास 2.5 इंचज़ की ड्राइव है, जैसे कि लैपटॉप की छोटी वाली एक ड्राइव आती है, उस केस में आप जब जब कनेक्ट करते हो और USB केबल कनेक्ट करके आप कंप्यूटर के साथ लगाते हो, डायरेक्टली आप कंप्यूटर में वो हार्ड ड्राइव को एक्सेस यूज़ कर सकते हो। उसमें और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2.5 इंचज़ का ड्राइव लगाइए, USB केबल लगाइए, अपने कंप्यूटर पर लगा दीजिए। वो डिटेक्ट कर लेगा, शायद कभी कभी फॉर्मेट करना पड़े तो आप उस ड्राइव को फॉर्मेट करके अपने यूजेज के लिए, अपने डेटा स्टोर करने के लिए लगा सकते हो। और इसको थोड़ा सा हैवी है, लेकिन आप अपने बैग में डाल के कभी कैरी करना है, ट्रैवल करना है तो इसको कैरी कर सकते हो। और इस तरह से मैं अपनी पुरानी ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास
3.5 इंचेस का, जैसे कि मेरे केस में है 3.5 इंचेस का बड़ा ड्राइव है, उस केस में आप ये ड्राइव इंसर्ट करने के बाद यूएसबी केबल लगाओगे और उसके साथ साथ आपको पावर अडेप्टर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3.5 इंचेस का जो ड्राइव रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावर लेगा, तो वो पावर आपके यूएसबी कनेक्टर के थ्रू जो कंप्यूटर देता है वो इतना सफिशिएंट, उतना इनफ नहीं रहेगा वो पावर, इसलिए आपको उसको एक्सटर्नली पावर लगाना पड़ता है। ये डिटेल्स कुछ उसके लीफलेट पे भी लिखी गई है और ये मैंने नोटिस भी किया है और कब बहुत सारे ब्लॉग्स में और बहुत सारे फोरम्स में पढ़ा भी है। चलो तो अभी मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ फिर से। ये ड्राइव आप इसको यहाँ पे देखो, नॉच है और यहाँ पे भी नॉच है, इसको फोकस कीजिए, यहाँ पे नॉच है और ये नॉच टू नॉच हम धीरे से इंसर्ट करेंगे ध्यान से, ताकि कहीं पे सर्किट में कुछ डैमेज ना हो। आराम से इसको डाल दीजिए और आप इंसर्ट कर दीजिए, लास्ट में एक टक आवाज़ आएगा और ये इंसर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखते कि ये गिरता भी नहीं है, तो ये हो चुका है इसका। और ये जो कवर है उसका, काफ़ी सिंपल सा कवर है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको इसमें जस्ट इसको स्लाइड करके यहाँ पे लगा देना है और इसको टाइट करना है, और ये आप आराम से उसको स्लाइड कर सकते हो। थोड़ा सा उसको वहाँ पे फिट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जब मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो शायद वो मैच ना हो पाए कम्प्लीटली, आपको शायद 2-3 बार आपको ट्राई करके लगाना है, तो मैं ये लगा के आपको दिखाता हूँ अभी। तो चलो ये तो फिट हो चुका है और ये अभी ऐसे तो निकलेगा नहीं, लेकिन अगर सेफ साइड के लिए अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, एक सेलो टेप लेके इस पर्टिकुलर उसके स्लाइडर पे आप एक सेलो टेप लगा दीजिए और ऐसे लगा दीजिए ताकि ये स्लाइड आउट ना हो और गलती से भी खुल के ये कहीं पर निकल ना जाए, तो आप एक सेलो टेप या एक स्टिकर आप ये जो एजिस पे आप लगा दीजिए, तो ये आपका सिंपल से काम हो गया। उसके अलावा आपको क्या लगाना है, उसके अलावा आपको मेरे केस में आपको जैसे बताया 3.5 इंचेस का है तो पावर अडेप्टर लगाना होगा। पावर अडेप्टर ये आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए पावर अडेप्टर, और ये पावर अडेप्टर एक हो गया। और इसके अलावा आपको एक यूएसबी केबल दिया गया है, वो यूएसबी केबल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैं यूएसबी केबल मैंने इंसर्ट कर लिया है। इस तरफ के कनेक्शंस पूरे हो चुके हैं और इसको अभी पावर ऑन करना है, और इसको पावर ऑन करने के बाद इस यूएसबी पोर्ट को मैं अपने लैपटॉप के साथ लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हो मेरे पास ये मैंने एक्सटेंशन लेके रख दिया है, और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, इस पर्टिकुलर ड्राइव को मुझे पावर ऑन करना है। उसके बाद पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी स्विच भी दी गई है, ये आप स्विच को ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही ऑन करोगे इसमें आपको हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव घूम रही है। हार्ड ड्राइव का अगर आपको फंक्शन ऑलरेडी पता है, आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी देख सकते हो हार्ड ड्राइव कैसे काम करती है, वो ये पुरानी तरह की जो हार्ड ड्राइव्स रहती है SATA तरह की हार्ड ड्राइव वो घूमती रहती है, जैसे LP रिकॉर्ड पुराने होते थे वैसे ये घूमती रहती है, तो आपको हल्का सा एक वाइब्रेशन फील होगा। इसका मतलब कि हार्ड ड्राइव पे बराबर करंट मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ LEDs दी गई है, आई एम नॉट वेरी श्योर कितना ये LEDs चल रही है, इफेक्टिव बराबर दिखा रही है, लेकिन चल तो रही है, कम से कम दिख रही है, और आपको वाइब्रेशन फील होगा। इसका मतलब हार्ड ड्राइव को पावर मिल चुका है। अब मेरा काम है इस पर्टिकुलर USB केबल को मुझे अपने कंप्यूटर के पोर्ट में लगाना है, तो ये मैं लगा देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस लैपटॉप के ऊपर मुझे कुछ मैसेज दिया है कि डू यू वांट टू फॉर्मेट दिस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव, ये कुछ मैसेज मुझे मेरे स्क्रीन पे दिखाई दिया है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और उसका भी एक रीज़न है कि ये मैसेज क्यों दे रहा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब अगर आप मेरे कंप्यूटर पर देखोगे, मेरे पास एक डिस्क 0 है और एक डिस्क 1 है, आप देख सकते हो दो तरह की हार्ड डिस्क मेरे लैपटॉप पे अभी लगी हुई है। डिस्क 0 जो मेरे कंप्यूटर पे मेरे लैपटॉप पे ऑलरेडी लगी हुई है, जिसमें मेरा विंडोज़ इंस्टॉल्ड है और अलग अलग मेरे डेटा और मेरे सॉफ्टवेयर सब लगे हुए हैं, वो डिस्क 0 है। डिस्क 1 जो है वो मेरा अभी जो एक्सटर्नल हम लोग ने अलग से जो डिस्क लगाया है वो डिस्क 1 है, और उसमें भी बहुत सारे पार्टीशंस ऑलरेडी बने हुए हैं।
जैसे कि मैंने पहले कहा, ये हार्ड ड्राइव एक दूसरे कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के साथ, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चल रही थी, लेकिन अब वो कंप्यूटर मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन ये ड्राइव मेरे काम की है। इस ड्राइव में मैं बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता हूँ और इसके अंदर का करंट जो डेटा है मेरे कोई काम का नहीं है, तो मैं उसको डिलीट भी कर दूंगा, इसको फॉर्मेट कर दूंगा, और ये फॉर्मेट करने के बाद मैं इसमें अपने नए नए डेटा डाल सकता हूँ। जैसे कि यही यूट्यूब वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ उसका कंटेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसके वीडियो फाइल्स और उसके फोटोग्राफ्स और काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो ये ड्राइव मेरे काम की आ सकती है। और मैंने सोचा कि ये आपको आइडिया, आपके ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं वो आपको भी समझा दूँ। तो ये डिस्क वन है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम वेरी श्योर कि इस डिस्क में जो भी डेटा है अब मेरे कोई काम का नहीं है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि ये अलग अलग पार्टीशंस को मैं क्या करने वाला हूँ। ये सारे पार्टीशंस, अगर आप विंडोज़ थोड़ा सा सिस्टम जानते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जानते हो, तो शायद आप फेमिलियर होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मैं ये सारे वॉल्यूम्स अभी डिलीट कर रहा हूँ, तो राइट क्लिक कीजिए डिस्क मैनेजर में और मैं जाके इसको सारे वॉल्यूम्स को डिलीट कर दूंगा। और सिंस आई एम वेरी श्योर कि इसमें मेरे कोई डेटा काम का नहीं है, मैं इस वॉल्यूम्स को सारे डिलीट करने के लिए ऑप्शन स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरे केस में वो जो हार्ड ड्राइव मैंने आपको बताई थी, वो हार्ड ड्राइव एक स्पेसिफिक कंप्यूटर में पहले यूज़ होती थी, वो एक स्पेसिफिक डिवाइस था जिसमें वो लगी हुई थी, और वो डिवाइस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक स्पेसिफिक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रही थी। अब वो स्पेसिफिक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं मैं विंडोज़ में डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकता हूँ, उसके पार्टीशंस को मैं नहीं छेड़ सकता हूँ, और उसके लिए मैंने एक दो और एडिशनल स्टेप्स भी किए थे। हो सकता है ऐसे स्टेप्स आपके केस में ज़रूरत भी ना हो, क्योंकि हो सकता है वो पार्टीशन वाली जो रहेगी वो विंडोज़ की रहेगी, हार्ड ड्राइव आपकी जो पुरानी, बट मेरे केस में मैंने किया। तो मैंने आपको एक एडिशनल टिप दे देता हूँ, मैंने एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ किया था पैरागॉन सॉफ्टवेयर का, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है EXTFS फॉर विंडोज़ बाई पैरागॉन सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया। आप गूगल करके इस सॉफ्टवेयर को सर्च भी कर सकते हो, और ऐसे हो सकता है काफ़ी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी हो। ये सॉफ्टवेयर क्यों मैंने यूज़ किया, सो दैट ये सॉफ्टवेयर से आप एक्सेस कर सकते हो लिनक्स की वो स्पेसिफिक फाइल्स, और वो फाइल्स एक्सेस करने के बाद मैं डिलीट करके उस हार्ड ड्राइव को पूरा क्लीन अप करके डिलीट करके फिर मैं अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए बना सकता हूँ। तो मैंने सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करके, आप जैसे ये सॉफ्टवेयर डालते हो, अब मैंने गूगल करके उसका एक लिंक से मैंने उस सॉफ्टवेयर को, फ्री सॉफ्टवेयर था, डाउनलोड कर लिया, और अब मैं उस हार्ड ड्राइव के सारे वॉल्यूम्स देख पा रहा था और उसको एक्सेस भी कर पा रहा था। तो ये हो सकता है ये सब एडिशनल स्टेप्स आपके केस में बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो, और वो करने के बाद मैं हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर पा रहा था, एंड उसके बाद मैंने अपना जो विंडोज़ के अंदर जो आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंडर में डिस्क मैनेजमेंट आता है, डिस्क मैनेजमेंट इंटरफेस के अंदर ये जो वो सेकंड ड्राइव थी, राइट क्लिक करके मैंने एक एक करके जो जो आपने पिछले इमेज में देखा बहुत सारे पार्टीशंस बने थे, मैंने सारे पार्टीशंस डिलीट कर दिए। अभी एक सिंगल लार्ज पार्टीशन है, जितने भी पार्टीशंस थे मैंने ध्यान से डिस्क वन के सारे पार्टीशंस डिलीट कर दिए। अब ये ऑलमोस्ट 186 यानी कि ऑलमोस्ट 2 TB का ये पूरा एक सिंगल ड्राइव है, और इस ड्राइव को आप अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो इस केस में मुझे एक वॉल्यूम, सिंस ये अनअलोकेटेड ड्राइव है, पूरा रॉ है अभी, तो इसको अलोकेट करके मैं अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए बस यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक पूरा एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर, और वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद उसको विंडोज़ अपने आप एक ड्राइव लेटर दे देगा, और उसको बाद में मैं फॉर्मेट कर दूँगा। फॉर्मेट बाई डिफ़ॉल्ट NTFS फॉर्मेट से कर रहा हूँ, और इस वॉल्यूम को एक नाम दे देता हूँ, एक्सटर्नल डेटा, ताकि मुझे पता चले कि उस वॉल्यूम का नाम क्या है। एंड ये सिंपल विंडोज़ के स्टेप्स हैं, तो ये आप इजीली कर पाओगे, और इसको अभी ये फॉर्मेटिंग, जैसे आप देख रहे हो फॉर्मेटिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, और ये पूरा ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, और 2 मिनट में ये ड्राइव रेडी हो गया मेरे यूजेज के लिए। तो अब ये डिस्क जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसमें अपना डेटा डाल सकता हूँ, और फ्यूचर पर्पस के लिए मैं इस अगर आप ये पूरे चीज़ को देखोगे तो ये एक काफ़ी हैंडी पैकेज है। वज़न थोड़ा सा हार्ड ड्राइव का ही इसमें रहता है, और ये जो केसिंग का वज़न तो इतना कोई है नहीं, थोड़ा सा ही वज़न होगा, शायद 300-400 ग्राम रहेगा केसिंग का, हार्ड ड्राइव का वज़न ज़्यादा है, और ये केबल्स और ये सब लेके आपको शायद कैरी करना है, शायद मैं कोई फ्यूचर में एक छोटा सा केस भी खरीद लूँगा।
और ये मेरे काफ़ी अच्छे स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ होगा। 2 TB का मेरा ड्राइव था, तो ये सारे जो वीडियोस बन रहे हैं, मेरे ट्रैवल के कुछ फोटोग्राफ्स, ये आराम से मैं घर में रख के इस पर्टिकुलर ड्राइव का, मैंने एक पुराने ड्राइव का सही इस्तेमाल कर दिया और इसको कम्प्लीटली पोर्टेबल बना दिया है और इसको लेके मैं चल सकता हूँ। तो होपफुली कि ये जो आपको जो पूरी ट्रिक बताई आपको कि आप अपनी पुरानी ड्राइव को इसको कैसे पोर्टेबल इस केस में डाल सकते हो, होपफुली इसी पूरी वीडियो देख के आपको शायद एक अंदाज़ा लगा होगा कि काफ़ी इजी ट्रिक है, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ लगेगा भी नहीं, ज़्यादा कुछ पैसा भी नहीं जाएगा और आपकी पुरानी हार्ड ड्राइव आप नए नए पर्पस के लिए अपने डेटा स्टोर करने के लिए लगा सकते हो और उसको पोर्टेबल भी बना सकते हो। आपको पूरा कंप्यूटर मदरबोर्ड और ये कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये केस का टेक्नोलॉजी है, उसमें डाल के आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई और कुछ मेथड चाहिए कि कैसे आप इसको कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली, मैं कोशिश करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप, मैं कोशिश करूंगा इसको ट्राई करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। और मैंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन सर्च किया था डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स और इससे, तो मुझे भी काफ़ी फायदेमंद हुआ और आई एम श्योर कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ रहेगा आप अपने ड्राइव को पोर्टेबल बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कर सकते हो, अपने अपने पास और कुछ इससे भी बेहतर आइडियाज़ हो तो आप वो आइडियाज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।